हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई इंसिडियस चैप्टर 5 द रेड डोर को, जो कि सीक्वल है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। यानी कि आप सभी को एलिस की स्टोरी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जाने बिना ही इस मूवी की स्टोरी आप समझ सकते हैं। फिर भी आप सभी लोग इसके चारों पार्ट को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर पैट्रिक विल्सन है, उन्होंने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो चलिए देर न करते हुए इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर चैप्टर 2 खत्म हुआ था, यानी कि जब जॉस और डॉल्टन के अंदर से इविल यादव को मिटा दिया गया था, जिससे कि वह दोनों कभी भी द फर्दर यानी शैतानों की दुनिया में ना पहुँच सके। खैर, इस घटना को बीते हुए 9 साल हो जाते हैं और हम लॉरेन के फ्यूनर को देखते हैं, जो कि जॉस की मदर होती है, जहाँ पर जॉस की पूरी फैमिली मौजूद होती है। और यहाँ पर हम इनकी फैमिली के बारे में जान पाते हैं कि जॉस और उसकी पत्नी रेने ने तलाक ले लिया है और जॉस अपने बच्चों से मिलने के लिए अक्सर वेकेशन पर आता रहता है। फ्यूनर खत्म होने के बाद सभी लोग घर वापस जाने लगते हैं। तभी जॉस की मुलाकात काल से होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता है। और हम चैप्टर 2 से ही काल को जानते हैं, जिसने कि एलिस की बहुत मदद की है। और चैप्टर 2 के अंदर ही जॉस के दिमाग से पूरी यादों को मिटा दिया गया था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता है। फिर भी वो काल से पूछ लेता है कि वो कौन है, तो काल उसे बताता है कि वो उसकी मदर लॉरेन का काफी अच्छा फ्रेंड था। इसके बाद जॉस वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में बैठता है, तो हम उसके पीछे एक स्पिरिट को देखते हैं, जो कि तुरंत गायब भी हो जाती है। और यह स्पिरिट किसकी है, इसके बारे में हमें तो आगे ही पता चलेगा। खैर, इन सब के बाद जॉस डॉल्टन को छोड़ने के लिए उसके हॉस्टल में जाता है, जहां पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके आपस के रिश्ते ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच में नोकझोंक होती रहती है। और हमें पता चलता है कि जॉस पिछले काफी वक्त से परेशान और स्टेट डाउन रहता है, जिससे कि वो कुछ भी सही से समझ नहीं पाता है। और इसी की वजह से बच्चे उसे पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जॉस की तरफ से एक अच्छे पिता का प्यार ही नहीं मिल पाया है। खैर, डाल्टन एक ड्राइंग आर्ट स्टूडेंट होता है, जिसने की लॉरेन की एक पेंटिंग बनाई होती है, जिसे देखकर जॉस डॉल्टन से कहता है कि उसने उसे कभी नहीं ड्रॉ किया, जबकि उसने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन डाल्टन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और दोनों में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से जॉस दुखी होकर वहां से चला जाता है। तभी डाल्टन के पास उसकी रूममेट क्रिस आती है, जिसे कि ये रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो तुरंत रूम चेंज की रिक्वेस्ट डाल देती है। लेकिन रूम चेंज होने में एक दिन का वक्त लगता है, जिस वजह से क्रिस को आज रात यहीं पर रुकना होगा। तो क्रिस डाल्टन से बात करने लगती है, तो बातों ही बातों में डाल्टन उसे बताता है कि उसे 10 साल पहले का एक साल बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। और वह उस साल के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और तभी से उसे अंधेरे से डर लगने लगा है। अगले दिन जॉस डाल्टन के लिए एक मैसेज भेजता है और वो कहता है कि वह डाल्टन की बातों को समझता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे हुआ क्या है। और वह इसके बारे में जल्दी पता लगा लेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके बाद हम डाल्टन को देखते हैं, जो कि अपने आर्ट क्लास को अटेंड कर रहा होता है, जहां पर वो टीचर को अपने बनाई हुई लॉरेन की पेंटिंग दिखाने वाला होता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उस पेंटिंग में कुछ कमी है, इसके वजह से वो उस पेंटिंग को वहीं पर फाड़ देता है। तभी उनकी ड्राइंग की प्रोफेसर सभी को अपने अंदर दबी हुई यादों को याद करने के लिए कहती है और अपने अंदर झांक कर उसे ड्रॉ करने के लिए कह देती है। तो डाल्टन अपने अंदर झांक कर एक ड्राइंग बनाता है, जो कि एक डोर का होता है, और यह डोर द फर्दर का होता है, जिसके पीछे बहुत सारे इविल सोल और बहुत सारे डीमन रहते हैं, जो हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते रहते हैं, खासकर लिपस्टिक फेस डीमन, जो कि काफी खतरनाक है और वह इस सीरीज का मेन डीमन भी है। खैर, तभी उस ड्राइंग में से डाल्टन को वही डीमन हंट करने लगता है और जॉस को भी अपने नाइटमेयर में वही रेड डोर दिखाई देने लगता है। यानी कि ये सब चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर डाल्टन के हाथ में चोट लग जाती है, जिसका कि कुछ ब्लड उस ड्राइंग पर पड़ जाता है। और हम समझ जाते हैं कि यह कहानी उसी रेड डोर के बारे में होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जॉस और डाल्टन की मेमोरी से उस साल को ही मिटा दिया गया है, जब उनके साथ ये सब हुआ था। यानी कि उन्हें इस रेड डोर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। खैर, इसके बाद जॉस परेशान होकर अपना MRI कराने जाता है, जहाँ पर वह स्कैनर के अंदर जाता है और जैसे ही उसका स्कैन किया जाता है, वहाँ की लाइट चली जाती है। तो जॉस मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है,
लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता है। तभी जॉस को वहाँ पर एक इविल आवाज सुनाई देने लगती है जो कहता है कि डोर ओपन हो चुका है, और उसी समय जॉस को एक इविल स्पिरिट हंट करने लगती है, और यह इविल स्पिरिट पार्कर क्रेन की होती है जिसे कि हम जानते ही हैं, जो कि इंसिडियस सीरीज का विलन द ब्राइड इन द ब्लैक है। खैर जॉस ऐसे तैसे कैसे भी करके उस स्कैनर से बाहर आता है तो उसे डॉक्टर मिलता है, तो वह डॉक्टर पर भड़कने लगता है, तो डॉक्टर उसे किसी तरह संभालता है और उसे कहता है कि वह स्कैनर के अंदर ही सो गया था और स्कैन काफी अच्छे से हो गया है। ये जानकर जॉस काफी हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि यह मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन वाली बीमारी है जो कि स्ट्रेस से होती है, और वो पता करे कि उसके फैमिली में किसी को दिमागी बीमारी थी। फिर हम डाल्टन को देखते हैं जो कि उस रेड डोर को काफी अच्छे से ड्रॉ कर रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है, तो डाल्टन किसी तरह इमरजेंसी लाइट को ऑन करता है और देखता है कि उसके बल पर ब्लड लगा हुआ है, साथ ही वहाँ पर और काफी जगहों पर ब्लड फैला हुआ होता है, जिसके साथ ही उसे कोई इविल हंट करने लगती है जिसकी वजह से वो काफी डरने लगता है। तभी वहाँ पर क्रिस भी आ जाती है जिसके साथ ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और यहाँ पर क्रिस अपना सामान लेने आई होती है जिसे कि दूसरा रूम मिल गया होता है, और यहाँ पर डाल्टन का मूड बहुत अपसेट होता है, तो क्रिस उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी मिले जाती है जहाँ पर वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। तो क्रिस यहाँ पर मस्ती करने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है, तो यहाँ पर डाल्टन को एक इविल स्पिरिट हंट करने लगती है जो कि रिसेंटली मारी गई थी, और वो डाल्टन से कहता है कि वो उसे रोक ले और वो उस दरवाजे को बंद कर दे। लेकिन डाल्टन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहता है, और वह स्पिरिट उसे कुछ और बता पाता इससे पहले ही वहाँ पर क्रिस आ जाती है, तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो दोनों वहाँ से हॉस्टल के लिए निकल पड़ते हैं। वापस आने के बाद डाल्टन उस रेड डोर के पीछे के रहस्य को जानने के लिए उसे ड्रॉ करने लगता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और वह अनजाने में ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है, और उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर घूमने लगती है, और वो हॉस्टल में घूमते घूमते क्रिस के कमरे में पहुंच जाती है, और यहाँ का रखा हुआ म्यूजिक इक्विपमेंट वो बजाने लगता है जिसकी वजह से क्रिस जाग जाती है। तो डाल्टन वहाँ से वापस भाग जाता है और अपनी बॉडी में वापस चला आता है, जिसकी वजह से डाल्टन अपने होश में आ जाता है। तो वहाँ पर क्रिस भी आ जाती है जो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था। तो डाल्टन कहता है कि उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा था, और वो किसी सपने जैसी जगह पर गया था, लेकिन वो सपना नहीं है और उसे लगता है कि वो किसी चीज के करीब जा रहा था या फिर कोई चीज उसके करीब आ रही थी। फिर हम घर पर जॉस को देखते हैं जिसे कि एक घोस्ट हंट कर रहा होता है या फिर उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तुरंत गायब भी हो जाता है। और जॉस को यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिस पर कि बेन लिखा हुआ होता है, और उस बॉक्स के अंदर उसके माता पिता की तस्वीर होती है, और उसे अब तक जो स्पिरिट हंट कर रही थी वो उसके पिता बेन की होती है जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हम डाल्टन को देखते हैं जो अपनी यादों को टुकड़ों को मिलाकर उस रेड डोर के आगे एक साय को बनाता है, लेकिन ये साया किसका होता है उसे पता नहीं होता है, और वह इसके बारे में अपने छोटे भाई फॉस्टर से पूछता है, लेकिन उसके छोटे भाई को भी कुछ पता नहीं होता है। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाती है जो उसे बताती है कि उसने जो फील किया है जरा सर वह एक्शन प्रोजेक्शन है, और क्रिस उसे इससे जुड़े हुए कुछ वीडियो को भी दिखाने लगती है जिसमें कि स्पेक्स और टकर होते हैं जो कि एलिस के साइड पार्टनर थे, और यहाँ पर एलिस का एक सेशन का वीडियो भी होता है जिसमें कि एलिस बताती है कि द फर्दर में फंसी हुई आत्माएं काफी तकलीफ में रहती है, जिन्हें कि उनके पापों की सजा भुगतने के लिए वहाँ पर काफी लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पर सिर्फ यही आत्माएं नहीं बल्कि कई सारे डीमन भी होते हैं जो कि हमारे दुनिया में आने की कोशिश करते रहते हैं, और वो हमारी जिंदगी को चाहते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं, और वहाँ के डीमन काफी खतरनाक भी होते हैं जो हमें पोजेस्ट करके हमारी दुनिया में आना चाहते हैं और साथ ही इस दुनिया में तबाही मचाना भी चाहते हैं। ये सब जानने के बाद डाल्टन उस स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है जो उसे हंट कर रही थी, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि वो रेड डोर क्या चीज है और उससे उस रेड डोर के बारे में और जानकारी मिलेगी, जिसके लिए डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है। लेकिन डाल्टन उस स्पिरिट से कुछ पूछ पाता इससे पहले ही क्रिस पर वहाँ का डीमन हमला कर देता है, साथ ही वहाँ पर कई सारे घोस्ट भी आ जाते हैं जो क्रिस को हंट करने लगते हैं, और वो सभी डाल्टन की बॉडी को पोजेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्रिस कैसे भी करके उन्हें दूर भगाए रखती है
और वो डॉल्टन की बॉडी को बचाते बचाते बेहोश हो जाती है, जिसे कि निक नाम का बंदा किसी तरह होश में लाता है। साथ ही डाल्टन भी अपने होश में आ जाता है। इसके बाद हम जॉस को देखते हैं, जो परेशान होकर रेने के पास जाता है और वो अपने पिता बेन के बारे में पता लगाने लगता है, और उसे पता चलता है कि उसके पिता ने ही खुद को खत्म कर लिया था और वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाते थे, जिससे हमें पता चलता है कि जॉस और डाल्टन के पास यह गिफ्ट कहां से आया है और उन्हें यह गिफ्ट बेन के द्वारा ही मिली है। खैर, दूसरी तरफ डाल्टन फोस्टर को फोन करता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि 10 साल पहले जब वो कोमा में था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो फोस्टर कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में बचपन से ही एक रेड डोर की तस्वीर है, लेकिन मॉम कहती है कि वह सब इसका बहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डाल्टन उस ड्राइंग को पूरा करने लगता है और उस डोर के आगे जॉस की तस्वीर बनाता है, वो भी हैमर के साथ। और यह सीन चैप्टर 2 का होता है, जब जॉस पोजेस्ट हालत में डाल्टन को मारने की कोशिश कर रहा था, और हम जानते ही हैं कि जॉस को उस समय पार्कर क्रेन की आत्मा ने पोजेस्ट किया था, वो भी चैप्टर 2 के अंदर, लेकिन इस बात को डाल्टन नहीं जानता था और इस बात को लेकर डाल्टन काफी परेशान होने लगता है। इधर जॉस रेने से पूछता है कि उसके पिता का आखिरी नोट यह था कि यह सब उनके साथ खत्म होगा, लेकिन उनके साथ क्या खत्म होगा के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। तो रेने हार मानकर उसे सब कुछ बता ही देती है कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था और उन्हें यह सब क्यों नहीं याद है। और रेने चाहती थी जॉस और डाल्टन को यह सब पहले ही बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो दोनों अपनी बीती बातों को जान जाएंगे तो वो दोनों फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगेंगे, जो कि उनके लिए काफी खतरनाक होगा, क्योंकि द फर्दर में जाने से कुछ न कुछ पीछे लग ही जाता है। खैर, सब कुछ जानने के बाद जॉस काफी दुखी होता है कि यह सब उसे छिपाया गया था। फिर रेने उसे बताती है कि यह सब कुछ रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि उसकी यादों को मिटाना उस वक्त जरूरी था और वो बच्चों को समझा नहीं पा रही थी और ना ही कोई झूठा बहाना बना पा रही थी, इसीलिए दोनों अलग हुए थे। तभी वहाँ पर फोस्टर भी आ जाता है, जो उन्हें डाल्टन के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को दिखाता है, जिसमें कि पोजेस्ट हालत में जॉस होता है। फिर हम डाल्टन को देखते हैं, जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए उस वक्त में चला जाता है जब जॉस पोजेस्ट हालत में डाल्टन को मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर छोटा डाल्टन अपने पिता की रियल सोल को वापस लाने के लिए द फर्दर में जाता है, और यहाँ का सीन इंसिडेंट चैप्टर 2 का होता है, और यहाँ पर पोजेस्ट हुआ जॉस उसे ही खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ का यंग डाल्टन उसे बचा लेता है और पोजेस्ट हुए जॉस को लेकर दूसरी जगह चला जाता है। यहाँ पे यंग डाल्टन देखता है कि जॉस के अंदर पार्कर क्रेन की ईविल स्पिरिट है, जो उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अचानक से गायब भी हो जाती है। तो डाल्टन वहाँ पर देखता है कि वो एक अनजान लोकेशन पर आ चुका है, जहाँ पर उसकी मेमोरी से जुड़ी हुई सारी चीजें मौजूद होती है, जिसके वजह से उसे सब कुछ पता चल जाता है और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा टाइम को मैनिपुलेट किया गया है, यानी कि जब ये लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर टाइम का मैनिपुलेशन होने लगता है, और हम इसी में कुछ ऐसे बीएड सीन को देखते हैं जिसे कि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एलिस ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में रेड डोर को ओपन कर दिया था और उसे ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके चलते बचपन में ही डाल्टन पोजेस्ट हो चुका था और द फर्दर के अंदर पुराने से पुराने मोमेंट में जाया जा सकता है। खैर, इन सब के बाद हम उसी डीमन को देखते हैं जिसने कि बचपन में डाल्टन को पोजेस्ट किया था, और वो डीमन डाल्टन के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डाल्टन जाग जाता है। लेकिन यहाँ पर डाल्टन के अंदर डाल्टन की स्पिरिट नहीं होती है, बल्कि उस डीमन ने ही डाल्टन की बॉडी को पोजेस्ट कर लिया था और वो ऐसा ही चाहता था। तभी यहाँ पर डाल्टन के पास क्रिस भी आ जाती है, तो वो डीमन उसे खत्म करने की तैयारी में लग जाता है। फिर हम जॉस को देखते हैं, जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है और वो फिर से एक बार अपने बच्चे डाल्टन को बचाने के लिए द फर्दर में जाता है और उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी बहुत ढूंढने के बाद वो डाल्टन के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो डाल्टन से कहता है कि उसे वापस चलना होगा। तो डाल्टन उसे मना करने लगता है और कहता है कि बचपन में उन्होंने ही उसे मारने की कोशिश की थी। तो जॉस यहाँ पर क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी, और जो कुछ भी हुआ था या फिर करवाया गया था वो उसके द्वारा उस डीमन ने ही करवाया था, और वो डीमन यहाँ पर डाल्टन की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर डाल्टन की रियल स्पीड को उसके बॉडी के अंदर जाना होगा,
ताकि वो डीमन वहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में वापस आ सके। खैर दोनों यहाँ से किसी तरह भागने लगते हैं और फाइनली उस रेड डोर के उस पार पहुँच जाते हैं। और उस रेड डोर के बाहर निकलने के बाद ही जॉस उस रेड डोर को बंद करने की कोशिश करने लगता है और डाल्टन से कहता है कि उन्हें इसे रोकना होगा और इस डोर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। लेकिन डाल्टन कहता है कि ऐसा वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो जॉस उसे कैसे भी करके रोके रखता है और डाल्टन को यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पोजेस डाल्टन क्रिस को मारने की कोशिश में लगा रहता है, साथ ही वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट भी होते हैं जो डाल्टन की बॉडी को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, साथ ही क्रिस को मारने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। लेकिन कैसे भी करके डाल्टन अपने बॉडी में वापस आ जाता है और अपने होश में आ जाता है और सभी घोस्ट को मारकर वहाँ से वापस भेज देता है। इधर हम जॉस को देखते हैं जो कि उस रेड डोर को रोक कर रखता है और कहता है कि ये सब उसके साथ ही खत्म होगा। मीन्स की उसके पिता ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, यानी कि उन्होंने कभी न कभी इस रेड डोर को बंद करने की कोशिश की होगी और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही डीमन होगा। और हमने जॉस के पास उन्हें जाते हुए देखा भी है, मीन्स की वो जॉस को इसी बारे में सतर्क करना चाहते थे, साथ ही उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। खैर इन सब के बाद वो डीमन उस डोर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी डाल्टन अपनी बनाई हुई पेंटिंग को ब्लैक कलर के पेंट से पेंट करने लगता है, जिससे कि वो डोर यहाँ पर द फर्दर में ही बंद होने लगता है क्योंकि इसे उसने ही ओपन किया था। और यहाँ पर धीरे धीरे करके डाल्टन उस रेड डोर को ब्लैक पेंट से पूरी तरह से बंद कर देता है। तो क्रिस कहती है कि हमें इस ड्राइंग को जला देना चाहिए, तो डाल्टन कहता है कि इसे जलाने से कुछ नहीं होगा बल्कि इसे याद करना होगा ताकि यह फिर से ओपन ना हो सके। और इस रेड डोर को भूलने से कुछ भी नहीं होने वाला है बल्कि इसे याद करके ही इसे बंद किया जा सकता है और वो जब तक चाहे तब तक इसे बंद कर सकता है। फिर हम जॉस को देखते हैं जो कि द फर्दर में अपने पिता को ढूंढता है और उसके पिता उससे मिल भी जाते हैं, जिसके बाद वो उनसे मिलकर द फर्दर से अपने बॉडी में वापस आ जाता है। और इस घटना के बाद उसकी फैमिली फिर से एक बार एक हो जाती है और उसके रिश्ते डाल्टन के साथ काफी अच्छे हो जाते हैं। और आखिरी में आकर डाल्टन जॉस की एक तस्वीर को बनाता है जिसमें कि जॉस ने पहली बार द फर्दर से उसे वापस ले आ रहा था, जिसे देखकर जॉस काफी खुश हो जाता है। इसके बाद जॉस वहाँ से बाहर जाता है तो उसे एलिस दिखाई देती है जो कि एलिस की सोल होती है, लेकिन जॉस को उसके बारे में पता नहीं होता है। और एलिस उससे कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट है, लेकिन उसे एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहीं वह एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन करते करते द फर्दर में काफी दूर न चले जाएं। और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी इंस्टीट्यूट चैप्टर 5 द रेड डोर की स्टोरी। स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।